गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ हम लोग देखेंगे आवर चैप्टर नंबर 14, लार्जेस्ट शॉपिंग मॉल्स इन द वर्ल्ड। जो लार्जेस्ट शॉपिंग मॉल्स है वर्ल्ड में वो कौन कौन से। सो मॉल्स आप लोग गए होंगे, मॉल्स में आपने देखा ही होगा कि किस तरह की सुविधाएं होती हैं, किस तरह की चीज़ें होती हैं। जैसे कि एक शॉपिंग मॉल हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ रिटेल शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, सिनेमा हॉल्स इन अ बिग बिल्डिंग। एक बिग बिल्डिंग एरिया होता है जिसके अंदर डियर स्टूडेंट्स रिटेल शॉप, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल्स, बिग बिल्डिंग एरियाज रहता है पूरा, जिसमें आपको पार्किंग ऐड भी रहता है, कहीं कहीं पर आप जाएंगे स्विमिंग पूल्स भी रहते हैं। तो दिस आर द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द मॉल्स। सो देखते हैं कि लार्जेस्ट शॉपिंग मॉल वर्ल्ड में कौन कौन से। राइट नाउ फर्स्ट देखते हैं हम लोग, इट इज़ द लार्जेस्ट मॉल इन द वर्ल्ड एंड ओपन इन 2005। लार्जेस्ट आपका मॉल है वर्ल्ड में और ओपन हुआ है 2005। इट हैज़ टोटल एरिया ऑफ 8,92,000 मीटर स्क्वायर। इट हैज़ 2,350 स्टोर्स। अब इसकी कैपेसिटी जो है स्टोर्स की है 2,350 शॉप्स हैं, स्टोर्स हैं उसमें, जो कि आपको चाइना में मिलता है, न्यू साउथ चाइना मॉल, जिसका नाम है न्यू साउथ चाइना मॉल। नेक्स्ट, इट इज़ सेकेंड लार्जेस्ट मॉल इन द वर्ल्ड। सेकेंड लार्जेस्ट मॉल वर्ल्ड में है और ये ओपन इन 2004। इट हैज़ टोटल एरिया ऑफ 5,57,419 मीटर स्क्वायर एंड मोर देन 1,000 स्टोर्स भी अवेलेबल है यहाँ पे। तो जो ये आपका है गोल्डन रिसोर्सेज मॉल, गोल्डन रिसोर्सेज मॉल चाइना बीजिंग में है, गोल्डन रिसोर्सेज मॉल जिस कि ओपन हुआ था 2004 में, एंड इसके अंदर जो स्टोर्स हैं, जो इसमें स्टोर्स हैं, शॉप्स हैं, वो टोटल कितने हैं डिस्ट्रेंट 1,000 स्टोर्स हैं। नेक्स्ट, इट इज़ द लार्जेस्ट शॉपिंग मॉल इन फिलीपींस एंड द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट है फिलीपींस में है। ओपन इन 1985, बहुत ओल्ड है 1985। द टोटल रिटेल एरिया इज़ 5,04,900 मीटर स्क्वायर एंड इट हैज़ मोर देन 1,100 स्टोर्स। इसका जो स्टोर्स है वो आपके सेकेंड लार्जेस्ट से ज़्यादा है और ये जो है आपका SM City नॉर्थ EDSA फिलीपींस में है, क्यूजोन सिटी SM City नॉर्थ EDSA इसका नाम है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं, इट इज़ द लार्जेस्ट शॉपिंग मॉल इन मलेशिया एंड फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। मलेशिया में है एंड फोर्थ लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ओपन इन 1995। द टोटल एरिया इज 4,65,000 मीटर स्क्वायर एंड इट हैज़ मोर देन 600 स्टोर। इसमें कितने स्टोर्स हैं, मोर देन 600 स्टोर। एंड अब देखते हैं ये है कहाँ, मलेशिया में है, सेलंगोर में, और इसका नाम क्या है, वन युत्तमा। इट इज़ द लार्जेस्ट शॉपिंग मॉल इन ईरान, ओपन इन 2011। इट हैज़ टोटल एरिया ऑफ 4,20,000 मीटर स्क्वायर। इट हैज़ द रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टोर्स। इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि इसमें सबसे ज़्यादा स्टोर्स, सबसे ज़्यादा सिराज सिटी ईरान में, पेरिसियन गल्फ कॉम्प्लेक्स मॉल। इसका नाम क्या है, पेरिसियन गल्फ कॉम्प्लेक्स मॉल। लास्ट बट नॉट लिस्ट, दिस इज़ द सेकेंड बिगेस्ट मॉल इन मलेशिया। मलेशिया का सेकेंड बिगेस्ट मॉल है। इट वॉज ओपन इन 1999। इट हैज़ अ टोटल एरिया ऑफ 4,20,000 मीटर स्क्वायर। इट हैज़ 430 स्टोर्स। इसमें कितने स्टोर्स हैं, 430। कुआलालंपुर बोलते हैं जिसको मलेशिया में, मिड वैली मेगा मॉल इसका नाम है। डिस्ट्रेंट्स यहाँ आपने देखा कि किस तरह से मॉल्स के नाम दिए गए। अब यहाँ पे आपको ABCDEF करके दिया गया है, तो जो आपका फर्स्ट वन का आंसर है वह है आपका सी, सेकेंड वन का आंसर है आपका डी, थर्ड वन का आंसर है आपका बी, फोर्थ वन का आंसर है ए, फिफ्थ वन का आंसर है एफ एंड ई जो है आपका सिक्स का आंसर है। राइट डियर स्टूडेंट्स, यू गॉट इट। आप चाहें तो इस सारे जो आंसर्स दिए हैं मैंने, वो इसको आप
कर सकते हैं। लास्ट में इसके आंसर्स दिए हुए भी हैं पीडीएफ फॉर्म में। नाउ इंस्पायरिंग लेजेंड्स, अब हम लोग देखेंगे इंस्पायरिंग लेजेंड्स, कुछ ऐसे लेजेंड्स महान व्यक्ति जिन्होंने हमें इंस्पायर किया। इंस्पायर किया मतलब हमें मोटिवेट किया। जनरल अवेयरनेस के लिए सम पीपल आर फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड, कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो कि फेमस होते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड। दे आर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन, वो एक इंस्पिरेशन हमें जो अंदर से उनको देख के लगता है ना यार हमें भी ये करना चाहिए, हमें भी ऐसा होना चाहिए, उन्हें देख के हमें मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन। उनसे हमें कुछ ऐसी लगा हो जाती है कि उनके वर्क को, उनके सारी एक्टिविटीज़ को देख के हमें खुद इंस्पायर हो जाते हैं कि हमें एक कार्य करना है या वर्क करना है। पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड, अब यहाँ पे उनके नाम दिए गए हैं, उसके वर्क दिए गए, उसको हमें रिकॉग्नाइज करना है कि कौन है वह। तो पहला जो है ही वॉज अ ब्रिटिश एस्ट्रोफिजिस्ट रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट फिजिस्ट आफ्टर आइंस्टाइन। आइंस्टाइन के बाद ग्रेटेस्ट फिजिस्ट थे फिजिस्ट। ही सफर फ्रॉम अ डेंजरेटिव नर्व डिजीज, डेंजरेटिव नर्व डिजीज से है जो कि टोटली ये व्हील चेयर पर ही चलते थे। ही कुड कम्युनिकेट ओनली थ्रू अ कंप्यूटर अटैच टू हिज मोटोराइज व्हील चेयर, उनके यहाँ पर एक अप्राइज था जिससे वह कम्युनिकेट कर सकते थे, जिससे वह बातें कर सकते थे। इन सेंस की उनका जो बात करने का था वो भी इतना अच्छा नहीं था। उनका नाम क्या है, स्टीफन हॉकिंग, स्टीफन हॉकिंग, अब इनकी डेथ हो चुकी है, स्टीफन हॉकिंग। ही वॉज एन इंडियन साइंटिस्ट हु सर्व्ड हिज कंट्री एज 11th प्रेसिडेंट फ्रॉम 2002 टू 2007। इंडिया में 11th प्रेसिडेंट भी रह चुके 2002 से 2007 तक। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अग्नि एंड पृथ्वी मिसाइल्स, इन्होंने अग्नि और पृथ्वी मिसाइल्स भी बनाई है। ही टुक अप अ मिशन टू इग्निएट द यंग माइंड्स फॉर नेशनल डेवलपमेंट, उनका जो मिशन था कि किस तरह से हम यंग माइंड को, किस तरह से हम यंग जनरेशन को इंस्पायर करें और अपने वर्क में लगा दें। बाय मीटिंग हाई स्कूल स्टूडेंट अक्रॉस द कंट्री ही वॉज अवार्डेड द हाइस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया भारत रत्न इन 1997। तो ये आप देख रहे हैं कि डॉक्टर एपीजी अब्दुल कलाम जी हैं, डॉक्टर एपीजी अब्दुल कलाम। नाउ थर्ड वन पे आते हैं हम लोग। सी जे इंटरनेशनली फेमस ब्रिटिश ऑथर हु रोड द फेमस हैरी पॉटर सीरीज, जो हैरी पॉटर मूवीज आती है उस सीरीज को जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने उसको बनाया है, जे के रोलिंग। Now, dear student, he was one of the world's richest person and great philanthropist who has made record donation. इन्होंने donation दान करने का भी record बनाया है। He revolutionized to computer industry in 2006. He announced his decision to focus on works of charity. इन्होंने charity ज़्यादा से ज़्यादा किया है। इन्होंने जो वर्क किया है वो कंप्यूटर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा फेमस वर्क है, कंप्यूटर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा फेमस वर्क है। स्टूडेंट्स, बिल गेट्स ही वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन, ग्रेट फिलंथ्रोफिस्ट, फिलंथ्रोफिस्ट दैट मीन्स दिस स्टूडेंट परोपकारी, जो व्यक्ति मानवों के परोपकार के लिए वर्क करता है, इसलिए उनके आगे दिया कि ही इज मेड रिकॉर्ड डोनेशन। तो पर्सन है बिल गेट्स, फोर्थ का आंसर है बिल गेट्स। ही इज ए ब्राजीलियन स्कोरर प्लेयर। ही बिकेम एन इंटरनेशनल स्टार व्हेन ही जस्ट 17 ईयर्स ओल्ड, हैविंग प्लेड इन 4 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप टूर्नामेंट। ही इज द फर्स्ट प्लेयर एवर टू बी पार्ट ऑफ 3 वर्ल्ड चैंपियन टीम। ही हैज स्कोर्ड 1281 गोल्स इन 1363 गेम्स। इन्होंने जो ब्राजीलियन थे, फुटबॉलर थे, तो इन्होंने जो गोल्स किए 1281 गोल्स एंड 1363 गेम्स में, तो जो इनका नाम है पेले, राइट। ही इज़ ए ब्राज़ीलियन स्कोरर प्लेयर, ये बहुत ही अच्छे फुटबॉलर थे। देन नेक्स्ट, ही इज़ एन इंडियन इकोनॉमिस्ट। ही इज़ द प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक एंड फिलोसफी एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड फेलो ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज। ही वॉज अवार्डेड अ नोबेल प्राइज 1998 एंड द भारत रत्न 99। अमृत सेन जी जो कि ग्रेटेस्ट इकोनॉमिस्ट है, भारत के ग्रेटेस्ट इकोनॉमिस्ट है, और फॉरेन कंट्रीज में अपने इकोनॉमिक सब्जेक्ट को
या पढ़ाते थे। राइट डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए बी सी डी ऑप्शन दिया है। तो स्टीफन हॉकिंग डी आपका फर्स्ट का है, देन सेकेंड डॉक्टर ए पी जी अब्दुल कलाम एफ वन एन, आपका थर्ड वन है बी एन, फोर्थ वन जो है आपका बिल गेट्स दैट इज ई एन, आपका ए फिफ्थ का आंसर है एंड सिक्स का जो आंसर है वो आपका है सी वन। ओके जैसे हम आगे बढ़ते हैं, नो कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स के बारे में जानते हैं कि कॉन्टिनेंट्स क्या है, कैसे दिया गया है। तो हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में जानेंगे डियर स्टूडेंट्स, सी दैट यहाँ दिया है कि राइट द नेम ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन, लोवेस्ट पॉइंट एंड लार्जेस्ट कंट्री अगेंस्ट ईच ऑफ द सेवन कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। जो आपके सेवन कॉन्टिनेंट दिए गए हैं, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अफ्रीका। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको अराइज हो सकता है, हाउ मेनी कॉन्टिनेंट, सेवन, राइट, नेम देम सेवन कॉन्टिनेंट। तो आप एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। अब यहाँ आपको ये जो बॉक्स दिया इसमें क्या बनना है, हाईएस्ट पॉइंट मतलब हाईएस्ट माउंटेन, लोवेस्ट पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट एंड लार्जेस्ट कंट्री। तो जो आपका एशिया में हाईएस्ट पॉइंट जो दिया गया, हाईएस्ट माउंटेन जो है वो क्या है, माउंट एवरेस्ट, वो आपका क्या है, माउंट एवरेस्ट ई वन 8848 मीटर, एंड लोवेस्ट पॉइंट क्या है, डेड सी। लार्जेस्ट कंट्री क्या है यहाँ पे, रसिया। लार्जेस्ट कंट्री एशिया में कौन सी है, रसिया। लोएस्ट पॉइंट क्या है आपका, डेड सी, एंड हाईएस्ट पॉइंट माउंटेन क्या है, माउंट एवरेस्ट ऑस्ट्रेलिया में। अब हम लोग देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में हाईएस्ट माउंटेन आपका क्या है, माउंट कॉस्किकोज, माउंट कॉस्किकोज 2228 D1, देन आपका यहाँ पे जो है लेक आयर, लेक आयर एंड ऑस्ट्रेलिया, एंड ऑस्ट्रेलिया। थर्ड वन यूरोप, थर्ड वन अब हम लोग देखेंगे यूरोप के बारे में दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें जो हाईएस्ट माउंटेन है, माउंटेन वो कौन सा है। ओके डियर स्टूडेंट, तो सी दैट अब हम लोग देखेंगे यूरोप, माउंट एल्ब्रस, एल्ब्रस, एल्ब्रस 5642 मीटर, माउंट एल्ब्रस। देन कैस्पियन सी लोवेस्ट पॉइंट, एंड यूरोप में जो कंट्री है आपकी वो है डियर स्टूडेंट्स, यूरोप में जो आपकी स्मॉलेस्ट सॉरी लार्जेस्ट कंट्री देखते हैं हम लोग कौन सी, इट ऑल्सो बी अ रसिया, रसिया है क्योंकि रसिया। नाउ अफ्रीका, माउंट किलीमंजारो, अफ्रीका जो है उसमें आपको दिया है माउंट किलीमंजारो। देन लेक एसल एंड अल्जीरिया, यहाँ का लार्जेस्ट कंट्री क्या है, अल्जीरिया। देन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका माउंट विंसन मैसिव 4892 मीटर, यहाँ पे सबके आपको हाइट दी हुए हैं तो ये भी आपको क्वेश्चंस में आ सकता है। राइट डियर स्टूडेंट्स, देते हैं बेंटली सब ग्लेशियल ट्रेंच, यहाँ का क्या है, बेंटली सब ग्लेशियल ट्रेंच, एंड आपका जो यहाँ पे है ट्रेंच, आपका जो लार्जेस्ट कंट्री यहाँ पे दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स वो आपका है, लार्जेस्ट कंट्री यहाँ पे आपको लार्जेस्ट कंट्री की जगह ब्लैंक दिया है तो हम वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे, डैश है ऑप्शन। सो नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में माउंट माउंट डेनली ऑल्सो नोन एज माउंट मैकिनली, इसको माउंट मैकिनली भी कहा जाता है, 6190 मीटर, एंड लोवेस्ट पॉइंट डेथ वैली, एंड लार्जेस्ट जो कंट्री यहाँ पे कनाडा, लार्जेस्ट कंट्री क्या है, कनाडा। और लास्ट साउथ अमेरिका में लेते हैं माउंट एक्नोगुआ, माउंट एक्नोगुआ 6962 मीटर, लियाना डेल, लियाना डेल कार्बन, लियाना लेगना डेल कार्बन, सॉरी लेगना डेल कार्बन, एंड लार्जेस्ट कंट्री जो यहाँ पे ब्राज़ील है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पूछा जा सकता है,
सो यहाँ पे माउंट जो हाईएस्ट माउंटेन है उसकी सबकी हाइट भी दी गई है. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स राइट. सो इसके जो आंसर्स है आप देखेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं. ये देखिए आपके पेज नंबर 22 है, पेज नंबर 22 का आंसर आपको यहाँ पे सबका दिया हुआ है. सो अब हम लोग नेक्स्ट वन देखेंगे जो है अमेजिंग फिशेस. कुछ अमेजिंग फिशेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. फिशेस तो बहुत सी लेकिन कुछ ऐसी अमेजिंग फिशेस हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए. सो देखते सम फिश आर अमेजिंग बिकॉज ऑफ यूनिक बॉडी स्ट्रक्चर एंड हैबिट्स. कुछ ऐसी फिशेस हैं जो कि मतलब एकदम यूनिक हैं और उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है सब अलग है, हैबिट्स अलग है. दिस फिश हैज़ पेयर ऑफ स्पाइंस ऑन आइदर साइड ऑफ द टेल विच आर डेंजरसली शार्प जस्ट लाइक अ सर्जन नाइफ. अब इसके देखेंगे कि पॉइंट की तरफ से दो शार्प हैं, इसकी जो पूंछ की तरफ होती है, तो आप देखेंगे टेल की तरफ कि इतने शार्प होते हैं जैसे कि सर्जन का नाइफ होता है. जैसे क्या होता है सर्जन का नाइफ होता है, सर्जनो फिश इसको करते हैं, सर्जोन फिश, सर्जोन फिश, सर्जोन फिश. सेकेंड वन, दिस फिश इज क्वाइट एक्टिव वेन आउट ऑफ वाटर. इट हैज़ द एबिलिटी टू ब्रीथ थ्रू इट्स स्किन. इट इज़ यूनिकली अडॉप्टेड टू एन एम्फीबियन लाइफ स्टाइल. एम्फीबियन लाइफ स्टाइल में इसको बताया गया है, तो इसका है मूड्स कीपर फिश, मूड्स कीपर फिश. ब्राइटली कलर्ड एंड ए स्ट्रिंकिंगली पैटर्न बॉडी मेक्स देम टू प्रेस्टिस्ट ऑफ ऑल फिश फाउंड मोस्टली ऑन द रिफिस ऑफ द ओशियंस. ओशियंस में बहुत ही कम मात्रा में है. तो अभी देखते हैं कि मेरिडियन फिश, मेरिडरीन फिश. अ ऑमनीवरस फ्रेश वाटर फिश दैट लिव्स इन साउथ अमेरिकन रिवर्स नोन फॉर इट्स शार्प टीथ एंड एग्रेसिव एपिटेट फॉर फ्लैश. मतलब कि इसके टीथ बहुत शार्प होते हैं और अपने भोजन के लिए बहुत ही एग्रेसिव होती है और ये अटैक भी करती है. तो ये जो आपका आंसर है फिरहाना, फिरहाना. अ फिश विथ अ रेजर शेप्ड स्पैनली टेल कंटेनिंग पॉइजनस पॉइजनस ग्लैंड्स वेन थ्रेटेंड इट लेसेस आउट वायलेंटली विथ इट्स स्पैनली टेल टू डिफेंड इटसेल्फ. अब इसकी जो टेल है अगर इस पर कोई हमला करता है या इस पर कोई पास जाता है तो उसको अटैक कर सकती है. तो इसका जो आंसर है स्टिंग ग्रे. दिस फिश हैज द एबिलिटी टू इन्फ्लेट रैपिडली फिलिंग इट्स इलास्टिक स्टोमक विथ वाटर अंटिल स्पिन्स आर ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन शेप मेकिंग इट डिफिकल्ट टू सोलो दिस फिश. अब जो फिश दिया गया है आप देख रहे हैं यहाँ पे कि किस तरह से कटीलीदार है एंड ये अलग ही दिख रही है. तो ये एक यूनिक फिश है, एक यूनिक फिश में ही आ जाती है प्यूफर फिश, प्यूफर फिश. तो डे स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपके आंसर दिए गए हैं, A1 जो है फिफ्थ का है, B1 आपके सिक्स्थ का आंसर है, C1 आपके सेकेंड का, D1 आपके फर्स्ट का आंसर है, E आपके फोर्थ का एंड F आपके थर्ड का आंसर है. सो डे स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरह के यहाँ पे अमेजिंग फिशेस दिए गए हैं. अब हम देखेंगे वर्ल्ड सुपरलेटिव्स अराउंड द वर्ल्ड. वर्ल्ड सुपरलेटिव्स कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बहुत ही बड़ी हैं. रिकॉग्नाइज द नेम द फॉलोइंग स्ट्रक्चर. इट कैन अकोमोडेट 220,000 स्पेक्टेटर्स. स्पेक्टेटर्स मतलब यहाँ पे इतने सारे लोग जाके मैच हो या कोई भी चीज़ें वहाँ पे जाके देख सकते हैं. तो ये जो फर्स्ट वन का आपका आंसर है स्ट्रो स्टेडियम ग्रेंच रिपब्लिक में स्ट्रो स्टेडियम. इट इज़ द टॉलेस्ट टावर ऑफ एनी बैंक इन द वर्ल्ड 367.4 मीटर्स हाई. अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आपको दिया इट इज़ द टॉलेस्ट टावर ऑफ एनी बैंक इन द वर्ल्ड. जितने भी बैंक है उसमें सबसे टॉलेस्ट टावर है इसका, तो बैंक ऑफ चाइना टावर. इट इज़ द लार्जेस्ट लाइब्रेरी विथ 838 माइल्स ऑफ बुक्स स्लिप्स एंड मोर देन 39 मिलियन बुक्स. यहाँ पे अभी सबसे लार्जेस्ट लाइब्रेरी की बात हो रही है डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस USA में, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस. नेक्स्ट देखते फोर्थ वन, लार्जेस्ट मोनोलिथिकल स्टैचू के बारे में दिया गया है. तो कहाँ पे है आपका, अब हम देखेंगे. फोर्थ वन इज योर आंसर इज डिस्टूडेंट स्टैचू ऑफ गोमेंटेश्वर था इंडिया में, स्टैचू ऑफ गोमेथेश्वरा
देन वर्ल्ड टालेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर 828 मीटर, बुर्ज खलीफा जो कि सऊदी अरेबिया में है। लॉन्गेस्ट स्टील आर्क ब्रिज 552 मीटर लॉन्ग, लॉन्गेस्ट स्टील का ब्रिज है और ये जिसकी लेंथ है 552 मीटर। ये आपका जो ब्रिज है डियर स्टूडेंट्स, ये है छतो मेन ब्रिज। लार्जेस्ट इनहेबिटेड कैस्टल, लार्जेस्ट इनहेबिटेड कैस्टल जो है आपको दिया गया है डियर स्टूडेंट कि विंडोजर कैस्टल, यूके में विंडोजर कैस्टल। वर्ल्ड लार्जेस्ट मॉस्क्यू, सबसे बड़ी मस्जिद, कैपेसिटी है 820,000। तो यहाँ पे जो दिया गया मस्जिद अल हराम, मस्जिद अल हराम। लार्जेस्ट चर्च 220 मीटर मल्टीप्लाई 150 मीटर। तो ये आपको जो दिया गया है सेंट पीटर बेकलिया वेटिकन में है। स्टूडेंट्स यहाँ आपने देखा डे स्टूडेंट्स की लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्टेचू जो दिया गया है। तो आपने यहाँ पे देखा कि क्या क्या चीज़ें हैं डे स्टूडेंट्स। नाउ हम देखेंगे स्पेस विक्ट्री, जो स्पेस विक्ट्री के बारे में दिया गया है। तो अब हम स्पेस विक्ट्री के बारे में यहाँ पे जानेंगे कि स्पेस विक्ट्री में क्या क्या चीज़ें आती हैं। स्पेस के बारे में हमने बहुत पढ़ा है। तो इंडियन स्पेस प्रोग्राम जो शुरू हुआ था 1962 में विक्रम साराभाई जी ने किया था। इट हैज़ मेड इम्प्रेसिव प्रोग्रेस थ्रू वेल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। आज हमने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम बना लिए, ऐसे मिशंस पे हैं जिसको कि जाना जाता है। इंडिया एंटर द स्पेस एज बाय लॉन्चिंग द फर्स्ट एवर साइंटिफिक सैटेलाइट इनटू स्पेस ऑन अप्रैल 1975 में बनाया गया था इसको। तो डियर स्टूडेंट जो ये आपका है कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट है, जो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट है इसमें आपका जो है पहला क्या है आपका डियर स्टूडेंट्स, आर्यभट्टा। पहला आपका आंसर क्या होगा, आर्यभट्टा। यहाँ पे क्या दिया है, इंडिया एंटर द स्पेस एज बाय लॉन्चिंग द फर्स्ट एवर साइंटिफिक सैटेलाइट इनटू स्पेस ऑन अप्रैल 1975 को आपको दिया गया है। नाउ अब हम देखेंगे नेक्स्ट वन, इंडियाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च ऑन जून 1981 फ्रॉम क्यूरा, फ्रेंच गुयाना से। तो एप्पल, उसका नाम क्या है, एप्पल। इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल वॉज लॉन्च ऑन जुलाई 18, 1980 फ्रॉम सार SHAR एट श्रीहरिकोटा SLV-3। आंसर क्या होगा, SLV-3। इंडिया फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट वॉज लॉन्च ऑन, फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कब लॉन्च हुई थी, मार्च 17, 1988 को ISR IRS-1A। इंडियन फर्स्ट सक्सेसफुली लॉन्च मल्टीपर्पज सैटेलाइट ऑन August 30, 1983 INS-81B। इंडियन फर्स्ट आइडेंटिजली बोल्ट सेकेंड जनरेशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इंडियाज फर्स्ट इंडेंजली बोल्ट सेकेंड जनरेशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट INS-82A। इसके आंसर है डियर स्टूडेंट्स। सो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे दिया है कि सॉब्रिसेट्स लैंग्वेज एंड लिटरेचर्स के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो दिया गया संत ऑफ गेटर्स, संत ऑफ गेटर्स तो मदर टेरेसा, मतलब। अब यहाँ पे हम लोग डियर स्टूडेंट्स देखेंगे कि ये चीज़ें क्या हैं और किस तरह से दी हुई। सो डियर स्टूडेंट हम देखेंगे सब्रिकेट्स, मतलब किसी को जो हम लोग निक नेम देते हैं या जो किसी को उपाधि देते हैं उसी को कहा जाता है सब्रिकेट्स। तो नेम्स गिवन टू सर्टेन प्लेस थिंग्स एंड इवन, कुछ प्लेसेस को, कुछ पर्सनस को इनाम प्रोवाइड किए गए। तो संत ऑफ गेटर्स मदर टेरेसा, मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन, बिस्मार्क, मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन, राजा जी की जो उपाधि दी गई है सी राजगोपालचारी जी को। लेडी विद द लैम्प की जो उपाधि दी गई है डियर स्टूडेंट्स, फॉरेंस नाइटिंगल।
फॉर्चुनर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान, फॉर्चुनर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता था अन्ना। अब अन्ना जो है सी एन अन्ना दुराई को अन्ना के नाम से जाना जाता था। बार्ड ऑफ एवॉन, विलियम शेक्सपियर्स। देन देशबंधु सी आर दास को कहा जाता था। लोकनायक जे प्रकाश नारायण, जिनको जे पी नारायण के लिए जाना जाता है। महामना मदन मोहन मालवीय, महामना जी बहुत फेमस है, जो आप जानते हैं BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, उसकी स्थापना इन्होंने ही की थी, इनके ही प्रयास से वो बना था, इन्हें महामना के नाम से भी जाना जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पेज नंबर 8, 9 और 10 पे आपको सारे आंसर्स दिए गए विद द पेज नंबर, सो आप इसके आंसर्स को लिख सकते हैं इजीली। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो थैंक यू।